बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सिरप सैंपल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने लगे हैं। तो हमने इससे पहले सिरप के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई टेस्ट उसके नहीं परफॉर्म किए, तो ये जो है वो हमारा पहला टेस्ट होने वाला है। इससे पहले जितने भी टेस्ट थे उसमें टैबलेट थी, कैप्सूल्स थी, स्पोस्ट्रीज थी, बट पेरेंटल्स भी थे बट सिरप नहीं थे। तो अब हमारा जो पहला टेस्ट है वो सिरप के लिए होने वाला है। इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें बीकर है, स्टिरर है, ब्यूरेट है और टाइट्रेशन फ्लास्क है। और जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो पीएच मीटर है और रिफ्रैक्टोमीटर होता है। और इसके जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जो भी हमें सैंपल जो है वो चाहिए टू टेस्ट टू बी टेस्टेड, और 0.1 मोलर NaOH का सोल्यूशन चाहिए होता है और फिनोफ्थलीन चाहिए होता है। तो इसमें एक टेस्ट नहीं है, बेसिकली हम लोग थोड़े ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो होता है ना, वो आप ये देख रहे होते हो कि आपका जो भी सिरप है वो क्लियर है या नहीं, तो उस टेस्ट को क्लैरिटी टेस्ट बोलते हो। वो बहुत सिंपल सा है और वो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है कि आपने अपने सिरप को एक बीकर में डाल लिया और आपने सिर्फ अपनी आम आँख से देखना है कि वो जो है वो लाइक क्लियर है या नहीं। तो अगर वो क्लियर है तो क्लैरिटी टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना होता है, आपने उसकी पीएच चेक करनी होती है। और पीएच चेक करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप पीएच मीटर लोगे और पीएच मीटर लेने के बाद आपने उसको डिप कर लेना है अब उसी बीकर के अंदर जिसमें आपने लाइक सिरप लिया हुआ था। तो उसकी पीएच चेक कर लेनी है, एक स्पेसिफिक पीएच होती है ना, तो अगर वो आ रही है तो वेल एंड गुड। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, प्योर है, सॉरी उसकी पीएच स्टेबल है। नेक्स्ट टेस्ट आपने क्या करना होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लाइट पे आई वुड से कि वो रिफ्रैक्ट होती है ना कोई भी चीज़, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और वो स्पेसिफिक होता है किसी भी सिरप का या किसी भी चीज़ का। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर में अपना सैंपल डालते हैं और डाल के चेक करते हैं कि वो हमें अच्छी मतलब स्पेसिफिक रीडिंग दे रहा है या नहीं, सिंपल। तो रिफ्रैक्टोमीटर में आपने अपना सिरप डालना है और आपने ये चेक करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेसिफिक वैल्यू है सिरप की वो आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपने इसमें परफॉर्म करनी होती हैं। तीन टेस्ट हैं, पहले क्लैरिटी टेस्ट होता है, दूसरा पीएच चेक करनी होती है, तीसरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना होता है। तो सिरप के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं।